नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना जब सजने लगी तो चांदनी मार्केट बंद पड़ा है, क्योंकि इस मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहां के जो दुकानदार हैं, इन लोगों का खुद मानना है कि सरकार की जो भी एडवाइजरी होगी हम सबका पालन करेंगे, लेकिन हमें भी दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो रहा है दुकानों को बंद हुए। दुकान में अंदर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। इन लोगों की मांगे, हम सीधे इन लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि 2 महीने से हमारी दुकान बंद है और हमारे एक दुकान से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो ठेले वाले हो, रिक्शे वाले हो, मार्केट के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और सीज़न का भी टाइम है, गर्मी का टाइम है, पंखे कूलर का टाइम है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को अनुमति दी जाए दुकान खोलने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे हम लोग और जो भी गाइडलाइंस आएगी उस हिसाब से हम लोग पालन करेंगे इस चीज़ में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ज़्यादातर तो होलसेलर वाले हैं तो आपके पास तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगती होगी? जी, हमारे पास भीड़, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा नहीं आते हैं, दुकानदार ही आते हैं, अपना ऑर्डर लिखाते हैं, हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। रिटेल तो उतना है नहीं हम लोग को, तो उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगेगा। और हम लोग भी सब दुकानदार यही चाहते हैं कि भीड़ नहीं लगे, सबको अपनी जान प्यारी है इस चीज़ से, और इस कोरोना को तो हम लोग को सबको भगाना है, तो इसके लिए हम लोग सब अपने हिसाब से करेंगे काम। आपको क्या लगता है, अन्याय हो रहा है चांदनी मार्केट में? देखिए, आज करीब करीब लॉकडाउन हुए 2 महीना हो गया है, इस बीच में कई क्षेत्रों में सरकार ने रियायतें दी है, हमारी बिजली की दुकानें भी हफ्ता में 3 दिन खोलने की दी है, लेकिन चांदनी चौक एक कम्प्लेक्स बोल के खोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ चांदनी चौक करीब 100 दुकानें हैं जिस पर 400-500 स्टाफें हैं, मालिकें हैं, क्योंकि जीविका निर्भर है। अगर सरकार हम लोग पर नहीं ध्यान देगा तो हम लोग की मनोस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि बाकी बाज़ार, जैसे कई मार्केट हमारे बगल में ही बिजली की मंडी खुली हुई है, प्लस जैसे दलदली बाकरगंज, क्या बोलते हैं, मारूफगंज खुली हुई है, ये ढंग से कई बाज़ार ही खुली हुई है, फुलवारी शरीफ खुली हुई है, हम लोग के भी रास्ता दे, प्रशासन से अनुरोध है कि हम लोग पर भी ध्यान दें। क्या लगता है, आपसे जानेंगे, अन्य मार्केट भी खुल रहे हैं? जी, इस बीच इस मार्केट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों चांदनी चौक को बंद किया गया है, जबकि चांदनी चौक के सिमिलर में कई मार्केटें खुली हुई है, पर एक ही दो तीन चीज़ है कि चांदनी चौक और बाकरगंज पर विशेष नज़र है कि नहीं बंद रखा जाए। ये कारण तो हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं क्या लॉजिक के कारण है, जबकि यहाँ पर वैसा कुछ भीड़ भाड़ भी नहीं है फिर भी बंद है। इसके कारण क्या हो सकता है, आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी रास्ता निकाल दें, एड ऑन एड या इवन के तरीके से ही दुकान खुलवा दिया जाए, हम लोग भी चाहते हैं कि खुले, ताकि हम लोग का भी जनजीवन चल सके, हमसे से जुड़े भी सारे लोगों का जनजीवन चल सके। एक चांदनी चौक दिल्ली में जो भागीरथ प्लेस है, बिजली की बड़ी मंडी है, वहाँ करीब 4,000 दुकानें हैं, वहाँ भी सरकार ने ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति दे दी है, तो सरकार उसका भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब सरकार की जो भी एडवाइजरी होगी वो सब पालन करते हैं? पालन होगा, कई फार्मूला है जिसका सरकार उसको अपना सकती है ताकि हम लोग की जीविका चलती रहे। बिल्कुल, यहाँ मार्केट बंद है और यहाँ आप देख सकते हैं लोग, सभी लोग आए हैं। आज जब बाज़ार सजा तो शायद इन लोगों के पास भी ये उम्मीदें होगी कि रात रात तक इन्हें भी आदेश दे दिए जाए कि दुकान खोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि हालांकि आप देख सकते हैं ये मार्केट जो है एक साथ तो है, दुकानें सारी हैं, लेकिन यहाँ जो भी नियम कायदे कानून अगर प्रशासन इनको बताएंगी वो सभी नियमों को पालन करने के लिए ये तैयार है। यहाँ तक कि दिल्ली का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि वहाँ पर ऑड इवन का तरीका अपनाया गया है, उस तरीके से भी तैयार है। कोई भी अगर तरीके अपनाए, प्रशासन अगर चाहती है, सरकार अगर चाहती है, तो ये लोग उसको करने को तैयार हैं, लेकिन बस इन्हें अनुमति चाहिए। हालांकि दुकानें भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा से बंद है और सबसे ज़्यादा यहाँ खुद लोगों को भी पता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ दुकानदार के साथ साथ ठेले वाले जो कि सबसे गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी इस मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे, क्या लगता है आपको ये मार्केट बंद है? मार्केट तो बहुत दिन से, अभी 60 दिन करीब हो गए हैं मार्केट बंद है, लेकिन सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग को भी कुछ मौका दिया जाए और जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नियम है वो हम लोग पालन करेंगे। ठेले वाले नहीं, यहाँ पर रिक्शे वाले हैं, जो टोटो वाले हैं, वो सभी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लगभग 500 से 800 स्टाफ यहाँ पर हैं जो डेली वेजेस कमा कर खाते हैं, वो सब जुड़े हुए हैं, ताकि उन लोग स्टाफ की भी जिंदगी चलती रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हम लोग पर भी ध्यान दे के इस मार्केट को खोलने के लिए अनुमति दिया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें इधर की जो है वो सब बंद है, सभी जो यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं दूर दूर तक, ये सभी लोग दुकानदार हैं और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। आपने क्या उम्मीद पाल रखा है, आप जा रहे हैं बताइए, दुकान यहाँ बंद है, क्या कहेंगे सर? जी सर, काफ़ी दिनों से बंद है यहाँ दुकान, करीब 2 महीने हो गई है, और हम लोग यही प्रशासन से कहना चाहेंगे, DM साहब से कहना चाहेंगे
कि हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग का भी रोजी रोटी डेली कमाते हैं और खाते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है उनसे कि हम लोगों को आदेश दिया जाए और डिवेन के थ्रू ही दिया जाए, लेकिन दिया जाए ताकि हम लोग अपना जीविकोपार्जन चला सकें। बहुत से लोग कस्टमर लोग आ रहे हैं, वो पंखा के लिए लेने के लिए बेचैन है, कोई पंखा बनाने के लिए बेचैन है, कोई कूलर बनाने के लिए बेचैन है, लेकिन इजाज़त दे तो ना यहाँ तो मारना चालू कर देते हैं लोग। मिस्त्री भी जो बनाना चाहेंगे उसको भी रगेद दिया जाता है। बिल्कुल, सीजन है गर्मी का और गर्मी के साथ साथ जो पंखा है जिसको इनिशियल में रखा गया है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट ही नहीं खुलेगा तो बाकी और जगह पे सामान कैसे मिलेगा, ये भी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच छोटे छोटे दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। इस बीच एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ से जो सामान नहीं जाएंगे और जो छोटे दुकानदारों के पास जो सामान उपलब्ध होंगे, फिर उसको लेकर के उसके जो दाम होंगे, अगर उसकी मांग बढ़ेगी तो वो दाम में भी इजाफा होगा और इसका असर कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ इशारा करेगा, परेशान उन लोगों को करेगा जो लोग ग्राहक हैं। इसलिए इस बाज़ार को खुलना चाहिए। ये बाकी अन्य जगहों को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो भीड़ वहाँ रहते हैं, यहाँ भी वैसी स्थिति नहीं होगी क्योंकि ये लोग खुद मानते हैं। इसके साथ साथ जो भी नियम होंगे वो सब नियम ये मानने को तैयार है, सरकार की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जाएगी वो सब मानेंगे। लेकिन अभी बस इनकी एक ही मांग है कि इनको दुकान खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ये जो दुकान है, इस दुकान पे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी काम करते हैं, वो भी दुकानदार से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये पेमेंट करेंगे तो फिर इनका स्थिति ख़राब हो जाएगा, इसलिए दुकान खोलने की इन्हें अनुमति चाहिए। हालांकि प्रशासन इस पर विचार करेगी और विचार करना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, ये विचार करना भी ज़रूरी है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, दुकान भी बंद पड़े हैं और सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों को तो और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। न्यूज़ 11 भी चाहता है कि प्रशासन इनके बारे में सोचे और इनके लिए कुछ फैसला जरूर दे। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।